वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको हेयर ड्रो कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। आप अभी देख सकते हो कि मैंने ग्रिड लाइन ड्रो की हुई है, तो आपको भी पता होगा कि ग्रिड लाइन कैसे ड्रो करते हैं। तो इसका वीडियो है वो आगे के क्लासेस में है, आपको वो ज़रूर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और अभी जो मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ रेफरेंस पिक्चर, वो आपको भी यही रेफरेंस पिक्चर आपको भी ड्रॉ करने के हैं। इसका जो फोटो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा। तो आज जो हम ड्राइंग बनाने वाले हैं हेयर की, वो हम ग्रेफाइट पेंसिल से बनाएंगे। 2B 4B 5B इन तीन पेंसिल से हम पूरा जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन दे रहा हूँ, जब ये आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी तब हमने जो ग्रिड की जो लाइंस ड्रॉ की है उसे हम इरेज कर देंगे, और उसको इरेज करने के बाद ही हम हमारा जो वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल ली हुई है, ग्रेफाइट की 2B की पेंसिल ली हुई है। तो ये रियल टाइम जैसा ही है, क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको भी किस तरह से ड्रॉ करने का है। तो आप देख सकते हो कि मैं एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, तो आपको भी यही टेक्निक से आपको भी स्ट्रोक्स लगाने के हैं। तो ये रियल टाइम जैसा ही है, थोड़ा सा फास्ट किया है, मतलब बहुत कम, किस किस जगह पे थोड़ा ज़्यादा फास्ट किया, लेकिन जिस जगह पे ज़रूरत है कि आपको समझ आ जाए तो उस जगह पे मैंने स्लो किया है। तो जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया है आपको भी इसी तरह से यही ड्राइंग स्टार्ट करने की है, और जिस तरह से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ उसी तरह से आप भी स्ट्रोक लगाते जाइएगा और ड्राइंग पूरी कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले 2B पेंसिल से ही स्टार्ट कीजिएगा आप भी। और इसमें जो हम हाईलाइट देते हैं तो वो पहले ही हम कवर कर लेंगे। जिस जगह पे हाईलाइट आएगी उस एरिया को हम पहले से ही लाइट रखेंगे, उसको हम डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट में हम जब टोम्बो मोनो इरेजर से इरेज करने जाते हैं तो ये थोड़ा हार्ड रहता है। तो इससे बेहतर यही होगा कि हम पहले से ही जिस जगह पे हाईलाइट की ज़रूरत होगी उस एरिया को हम कम डार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जिस जगह पे हाईलाइट आएगी बीच में आप देख सकते हो, तो उस जगह को भी से ही मैं कम डार्क कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि बिगिनर जो है वो इजीली ड्रॉ कर पाए, और सब बिगिनर का मतलब है जो सीख चुके हैं, जिन्हें अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं उनको भी हेयर में दिक्कत होती है। मैंने देखा है कि हेयर ड्राइंग जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है हेयर ड्रॉ करने में। तो हेयर इजी तरीके से कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम आज के वीडियो में हम आपको मैं सिखाऊंगा। जब हम चारकोल से ड्रॉ करते हैं उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि चारकोल से
कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम ग्रेफाइट से सीखेंगे। अगर आपको कम टाइम में अच्छा आर्ट ड्रॉ करना है तो वो चारकोल से ही हो सकता है, लेकिन ग्रेफाइट से एक दिक्कत होती है कि हम जब ग्रेफाइट की ड्राइंग बनाते हैं तब उसमें चारकोल पेंसिल से हेयर ड्रॉ करते हैं, तब चारकोल जो होता है वो ग्रेफाइट पे कम चलता है। जब हम लाइंस लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं लग पाती, तो दोनों सीखना ज़रूरी है, तो इसलिए हमें ग्रेफाइट और चारकोल दोनों से सीखेंगे। और जो भी हमारे जो इस कोर्स में स्टार्ट करता है तो वो फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप ही सीखे, क्योंकि तभी आपका जो पाया है वो मजबूत होगा, आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी। वरना यही होगा कि आप सीखते जाओगे लेकिन जो आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और ये बात भी है कि आप ये अगर कोर्स पूरा कर लो तो एक बार में आप नहीं कर सीख पाओगे, इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। आप दोबारा तीन बार ये स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट करोगे और इसकी इसमें जो जो प्रैक्टिस बताई है वो प्रैक्टिस भी करोगे, तभी आपका जो आर्ट वर्क है वो बेहतर बनेगा। आप सिर्फ देख के आपका आर्ट वर्क कभी अच्छा नहीं होगा, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी और टेक्निक मिलेगी लेकिन बनाना तो आपको ही है, तो इसलिए जो जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ वो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। अभी भी आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से हाईलाइट देता जा रहा हूँ, जिस जगह पे कम लाइट करने का है उस जगह को मैं अभी से ही कम डार्क करता जा रहा हूँ, तो ये भी हमारा लेयर बाय लेयर ही करेंगे। सबसे पहले 2B से करेंगे, फिर 4B से, और फिर 5B, और उससे भी हमें डार्क करना है तो 6B 8B तक जा सकते हैं, लेकिन इतना डार्क करने से बेहतर है कि हम चारकोल से इजी तरीके से डार्क कर लें। आज के वीडियो में मैंने आपको ग्रिड बताया था, वो जो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो हमारे जो प्ले स्टोर है उसमें से डिलीट हो गया है। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो ये सॉफ्टवेयर अभी हमारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको जल्दी एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए तो दूसरा जो एक है वो आपको डेमोंस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रिड मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं उस वाले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था, वो काफ़ी सारे लोग हैं वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे मेल भी आ रहे हैं उसके, लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैंने जो ये जो वीडियो बनाया था तब प्ले स्टोर पे था लेकिन अब वहाँ से डिलीट हो गया है। यहाँ पे हमारी HB की
को 2B की जो लेयर है वो कंप्लीट होने के बाद हम ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में मैंने पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाए हैं उसी डायरेक्शन में मैं उसी टेक्निक से ही मैं ब्रश के स्ट्रोक्स भी लगा रहा हूँ। तो जब हम ब्रश का इस्तेमाल करें तब हेयर में जब ब्रश का इस्तेमाल करें तब हमारा जो ब्रश है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ग्रेफाइट में हमारा जो ब्रश है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल ली हुई है। तो जिस तरह से हमने आगे 2B से पूरी लेयर कंप्लीट की है उसी तरह से हम 4B से भी पूरी लेयर कंप्लीट करेंगे। तो उसी टेक्निक से उसी तरह से मैं यहाँ पे 4B से स्टार्ट कर दिया है। और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आ जाएगा, वरना इम्पोर्टेंट जो बात होगी वो मिस हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है वरना बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम जब ग्रेफाइट से बनाते हैं तब इसमें टाइम लगता है और चारकोल से बनाते हैं तब उसका आधे से आधा टाइम लगता है, लेकिन ग्रेफाइट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देख सकते हो कि मैं जिस जगह पे हमें हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पे अभी से ही मैं कम डार्क कर रहा हूँ और हेयर के डायरेक्शन में ही मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो वीडियो को आप ऑब्ज़र्व कीजिए जितना हो सके, और जिस टेक्निक से मैं बना रहा हूँ उसी टेक्निक से आप हेयर ड्रॉ कीजिएगा।
हमारी 4B क्लियर कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से मेकअप ब्रश से किस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी ब्लेंड करने का है। तो हमारी जब एक लेयर कंप्लीट हो जाए, जैसे कि 2B या 4B या 5B जिसकी भी, उसके बाद आपको एक बार ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हम अगली लेयर स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 4B की जो लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको मैं हेयर के डायरेक्शन में ही ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है। अभी मैंने 5B पेंसिल ली है और उस 5B पेंसिल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से 4B से स्टार्ट किया था वही सेम टेक्निक से, मुझे लगा और थोड़ा डार्क होना चाहिए तो थोड़े से और थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। As the breeze burns gold and smoke that you've stolen, feels like it's my fortune that you're folding. इसको मैंने कम फास्ट किया है, तो जिस तरह से मैं 5B का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी हेयर इसी टेक्निक से आपको ड्रॉ करने के हैं। जब हम 2B या HB पेंसिल से हेयर ड्रॉ करते हैं तब हमें कम शार्प करना पड़ता है, लेकिन जब हम 4B या 5B पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तब हमें बीच बीच में पेंसिल को शार्प ज़्यादा टाइम करना पड़ता है। तो आप पेंसिल का जो पॉइंट है उसे आप शार्प ही रखिएगा और बीच बीच में शार्प करते जाइएगा। आप जब ड्रॉ करो तब अपना जो रेफरेंस पिक्चर है वो पास में रख के ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो। तो इस तरह से आपको पता जाएगा। मैंने जिस पेंटिंग का रेफरेंस पिक्चर लिया है वो चारकोल का है, ग्रेफाइट का नहीं है। तो अगर आपको रेफरेंस पिक्चर चाहिए होते हैं, काफ़ी सारे जब हम ड्राइंग बनाते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी ड्राइंग बनाए, तो हमें प्रिंटरेस्ट जो ऐप है उसमें कॉपीराइट फ्री होती है और हम जो भी ड्रॉ करना हो हम वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। तो पिंटरेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो आपको काफ़ी काम आएगा रेफरेंस पिक्चर डाउनलोड करने के लिए, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा।
पिंटरेस्ट में आपको जो जो ड्राइंग की ज़रूरत होगी, जैसे कि रियलिस्टिक ड्राइंग या कोई भी हेयर की कोई भी रेफरेंस पिक्चर चाहिए, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो अगर आप चाहोगे तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, क्योंकि हम यही करते हैं कि इंस्टाग्राम से जो हमें अच्छी लगती है वो हम डाउनलोड करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से बेहतर है कि हम पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लें। तो पिंटरेस्ट पे हमें काफ़ी अच्छे और रियलिस्टिक जो होते हैं वो भी जो भी चाहिए वो हमें रेफरेंस पिक्चर मिल जाएगा, जैसा भी चाहिए हमें वहीं पे मिल जाएगा, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आगे के क्लासेस में हमारा जब ये ड्राइंग जो कोर्स है हमारा, उसमें हम अगर हमें कमीशन वर्क मिलता है और उनका जो फोटो है वो क्लियर ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको इसी पूरी जो ड्राइंग की हमारी जो कोर्स है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर फोटो हमारा क्लियर ना हो तो हम किस तरह से उसे क्लियर करते हैं, किस तरह से रेफरेंस पिक्चर से हम कमीशन वर्क बनाते हैं, तो वो हम सब सीखेंगे हमारे इस कोर्स में। और आगे के जो वीडियो हैं वो 3 या 4 दिन में, 3-3 दिन में अपलोड होते ही रहेंगे, क्योंकि आगे मैंने आपको जैसे बताया कि वीडियो आने में टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे तूफान आया हुआ था कच्छ गुजरात में, तो इस वजह से यहाँ पे लाइट की और काफ़ी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड टाइम पे नहीं कर पाया था, लेकिन अब से हमारे जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम ही आने वाले हैं। देखिए, हम जब ड्रॉ कर लेते हैं हमारा हेयर, तब उसके बाद हम एक दो हेयर की जो लाइंस होती हैं वो इस तरह से, अभी मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से भी आपको करने की होती हैं, क्योंकि ये हमारा जो रियलिज्म है वो लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो एक एक हेयर जो है वो दिखना चाहिए, तो तब हमारी जो पेंसिल है उसे काफ़ी शार्प कर लीजिएगा, तो इसी तरह से आप करते जाइएगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ उसी तरह से आपको पेंसिल साफ करके रियलिज्म के लिए ये सब करना है। हाईबी के बाद भी हम मेकअप ब्रश की हेल्प से इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं। जब हम ब्लेंड कर लेते हैं तब हमारी जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी
ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद हम दूसरी साइड भी कंप्लेंट करेंगे। हम अभी दूसरी साइड पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो ये साइड है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल ली हुई है। तो जैसे हम फर्स्ट लेयर 2B से करते हैं, उसी तरह से इस साइड भी मैं 2B से ही फर्स्ट लेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मैंने एक साइड में पूरी जो ड्राइंग बनाई है, जिस टेक्निक से बनाई है, उसी सेम टेक्निक की हेल्प से दूसरी तरफ भी मैं ड्राइंग बनाऊंगा। दूसरी साइड के जो हेयर हैं वो मैं उसी टेक्निक से ही हम ड्रॉ करेंगे। और वीडियो को पूरा देखना, और इसका जो रेफरेंस पिक्चर में जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। ये जब वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद आप भी यही ड्राइंग ड्रॉ कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं और किस तरह से आपने किया है वो मैं देख भी सकूँ। तो मुझे आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप ड्रॉ करके भेजिएगा, तो आपको मैं गाइड कर सकूं। तो आगे के जो वीडियो है उसमें मैं आपको ग्रेफाइट से, चारकोल से हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। ग्रेफाइट से तो आज की हम ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन चारकोल जो है वो काफ़ी अच्छी टेक्निक से बनता है, और वो जो है वो हमें सीखना ही चाहिए, और वो हम आगे के वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक ये जो आज जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आगे के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, क्लासेस मिस की हैं, तो वो पहले स्टार्ट कर लीजिएगा।
act like you used to. As I know I remain a danger to me, to you. Going haunted by the moment here in the sedation. Sharks.